तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मियों की बहुत ही शानदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे प्याज से लच्छा परांठा। इन परांठों को आप नाश्ते में या फिर लंच में कभी भी बना करके खा सकते हैं। और इन परांठों की खास बात यह है कि ये कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं और इन्हें खाने के लिए हमें सब्जी की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, ये अपने आप में ही काफ़ी टेस्टी लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, निर्मलाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलकर बनाते हैं इन गर्मियों की स्पेशल रेसिपी को। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसके अंदर 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। अब हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला देंगे। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर अजवाइन मिलाएंगे। अजवाइन को इस तरह से क्रश करके मिलाएंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल के आए। अब पराठे हमारे खस्ता बने, सॉफ्ट बने, इसके लिए हम 3 चम्मच इसके अंदर ऑयल की मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो घी भी मिला सकते हैं। अब हम इनको सबको मिला लेंगे अच्छे से। पराठे तो आपने कई प्रकार के बनाए होंगे, लेकिन इन गर्मियों में आप इस तरह से प्याज के पराठे बनाएंगे तो सभी को पसंद आएंगे। और इनको बनाना भी आसान है और ना ही हमें इनके साथ सब्जी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी हैं। तो आप इस तरह से प्याज के पराठे बनाएंगे तो बहुत ही पसंद करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो तैयार कर लेंगे। डो हमें ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा मुलायम रखना है। ये देखिए, इस तरह से हम आटा तैयार कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल की डाल देंगे इस तरह से, ताकि हमारा आटा सूखे नहीं। चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे। अब हम ढक्कन लगा करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इतने में हम अगली तैयारी कर लेंगे। अब ये मैंने 4 प्याज लिए हैं, इनके छिलके को हटा करके दोनों साइड के पार्ट को मैंने हटा दिया और फिर धो लिया है। अब हम इनको कट कर लेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमें कट करने के बाद इनको नहीं धोना है, अगर बाद में धोएंगे तो इनमें काफ़ी मॉइस्चर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से पत्ती पत्ती स्लाइसेस में हम इनको कट कर लेंगे। जितना बारीक हो सके उतना हमें इनको कट करना है। ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इनको कट कर लेंगे। और ये देखिए, अब हम इन लच्छों को अलग कर लेंगे इस तरह से हाथ से मसल करके, ताकि हमारे पराठे बनाते वक्त फटे नहीं। ये देखिएगा फ्रेंड्स ऐसे। अब इसके अंदर मैंने ये 4 चम्मच बेसन की मिक्स की है। और अब हम इसके अंदर ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे। ये 1 चम्मच मैंने अमचूर की ली है। अगर आपके पास अमचूर ना हो तो आप इसके अंदर चाट मसाला भी मिला सकते हैं। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा मिलाया है। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर मिक्स की है। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर मिलाया है इसके अंदर। एक हम इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिक्स कर देंगे। अब हम 1/2 चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इन सारी चीज़ों को इस तरह से हाथ से मसलते हुए अच्छे से मिला लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पराठे की स्टफिंग बनकर के तैयार है। चलिए अब हम आटे को भी देख लेते हैं, उसे भी 15 से 20 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल का हार लगा कर इस तरह से मसल लेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी 2 लोई बनाएंगे, छोटी छोटी लोई। हमें ना ही ज़्यादा बड़ी बनानी है ना ही ज़्यादा छोटी, पूरी से थोड़ी सी बड़ी बनानी है। ये देखिए, और इस तरह से सूखे आटे में लपेट करके हम इसकी एक पतली सी रोटी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी को हमें पतला ही बनाना है, क्योंकि हम ज़्यादा मोटी रोटी बनाएंगे तो हमारे पराठे मोटे बन सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आटा डस्ट करते जाएंगे और बड़ी सी रोटी बना लेंगे। और इसको हम एक प्लेट में, ये देखिए इतनी इसकी थिकनेस देखिए फ्रेंड्स, प्लेट में रख देंगे इस तरह से। अब हम इसी तरीके से दूसरी रोटी भी बना लेंगे। ये देखिए ऐसे, यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये पराठे इतने टेस्टी बनते हैं, अगर आप एक बार बना करके खिला देंगे ना तो सभी को पसंद आएंगे। ये देखिए, मैंने दोनों रोटी बना ली है। अब हमने जो प्याज का मसाला बना के रखा था ना, ये फैला देंगे इसके ऊपर। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से मसाला आपको कितना ज़्यादा रखना है उस हिसाब से आप इसके ऊपर फैला दीजिए। अब दूसरी रोटी भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि पराठा हमारा अच्छे से थोड़ा सा सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम सूखा आटा डस्ट कर देंगे ऐसे, ताकि पराठा चिपके नहीं। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर हल्का सा बेलन चला देंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स ऐसे,
अब ये मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है, इससे इस तरह से कट कर लेंगे। चाकू से भी आप ऐसे कट कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। अब ये साइड की दोनों किनोर को पहले फोल्ड कर लेंगे ऐसे, ताकि पराठा हमारा थोड़ा अच्छा सा बने। ये देखिए, अब इस तरह से सारे पराठे को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम एक पेड़ा बना लेंगे ऐसे। जितनी बारीक आप लेयर काटोगे उतना ही पराठे की लेयर बनेंगी हमारी। ये देखिए इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया। अब हम इस तरह से सूखा आटा डस्ट करके इसको वापस थोड़ा सा चपटा कर देंगे ऐसे हाथ से, और इसको हाथ से फैला लेंगे पहले। अब हल्के हाथों से बैलेंस से हम इसको बड़ा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हम एक तवे के ऊपर ऑयल डाल देंगे एक चम्मच। ऑयल को ब्रश से ऐसे फैला देंगे और पराठे को सेक लेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम धीरे से पराठे को डाल देंगे तवे के ऊपर, और कुछ सेकंड सिकने के बाद हम इसे पलट देंगे। अब हम ऑयल या फिर घी से इस तरह से पराठे को अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स ऐसे। ये लीजिए, हमारा पराठा बन करके तैयार है, ये देखिए। चलिए अब हम इसी तरीके से दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज के सुपर टेस्टी पराठे बन करके तैयार है, और इन पराठों को आप दही के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और फ्रेंड्स, आपको इस पराठे के साथ ना ही सब्जी बनाने की आवश्यकता है, तो इन गर्मियों में आप इस तरह से इन पराठों को बनाइए, सभी पसंद करेंगे और टेस्टी तो इतने लगेंगे कि यह एक बार आप इनको बना करके खिला देंगे ना, तो बच्चे और बड़े सभी इसको वापस बनाने के लिए कहेंगे, आपसे बार बार बनाने के लिए कहेंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये प्याज के पराठे बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब